जो पहली सेलिब्रिटी मेरे पास यहाँ मौजूद है उनको मैं बुलाने से पहले बताना चाहूँ कि आप उनको वैसे तो देख रहे होते हैं अलग अलग ड्रामों में जिनमें शामिल हैं, कयामत, बदजात, जख्म, इनामे मोहब्बत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आज आप मेरे मॉर्निंग शो पे उनकी गलतियाँ, उनकी आप बीती, आप उनकी जुबानी सुनेंगे। तो वेलकम टू सिद्रा नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, क्या हाल है? लोग कह रहे होंगे पता नहीं सिद्रा कौन सी गलतियां बताने वाली है और निदा ने क्या कहने के लिए उनको बुलाया है। सो बस क्या होगा सिद्रा, क्या क्या बता देंगी आज? बहुत सारा कुछ। कैसी हो? ठीक ठाक हो। तुम्हें अपने कोई बचपन की गलती याद है जब तुम छोटी थी, तुम्हारी अम्मा अब्बा ने बताया हो कि ये तुम्हारी बचपन की तुम्हारी ये गलती थी? बचपन की कोई ऐसी गलती तो नहीं, मैं वैसे शुरू से वो बच्चे होते हैं ना बस जो एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं, ध्यान से फूंक फूंक के कदम रखने वाले, आई वाज वन ऑफ दोस। तो इतना ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था, बट अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो फिर बताएंगे। फिर वो आगे आगे चल के जिंदगी में जो गलतियां होती हैं फिर उनसे बंदा सीखता है। सो तुमने सीखा? बहुत सीखा। हर गलती से आई थिंक आपको सबसे अच्छी चीज यही है कि जब आप गलती करते हैं तो आप दोबारा फिर उसको रिपीट ना करने के लिए जो सोचते हैं कि कर लिया ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो वो लर्निंग जो है वो आई थिंक बहुत। तो गलती हो जाती तो रो जाती हो, पैनिक कर जाती हो, चीखने लगती हो, गुस्सा करती हो, मतलब तुम्हारा इमोशन क्या निकलता है? मैं हर्ट होती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल सेंसिटिव इंसान हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा होता है कि क्यों कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर कोई और उसमें इन्वॉल्व हो फिर तो ज्यादा, और अगर अपने से रिलेटेड हो तो फिर थोड़ा कम, बट होता है। आइए आपकी गलतियों पर रोशनी डालते हैं आज सुबह सुबह। प्लीज हैव अ सीट YouTube channel of Air by Digital to stay updated.